नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत बेहतरीन रेसिपी, तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरा रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ते है हरे मटर के थान, देख रहे होंगे कितना अच्छा ये खेत में से लाया गया है उखाड़ कर। तो इसको छोड़ाएंगे, जो ये दाना है इसको निकालेंगे हम, तो निकालते हैं आइए। सबसे तो पहले जो हरे मटर है इसको छिलका में से हम ऐसा देखिए निकाल लेते हैं पूरा, ये देखिए ऐसा ही निकालना है। ये खेत में से लाया गया है, पूरा ताज़ा है, फ्रेश है एकदम से ना। तो ये देखिए, तो रखते हैं एक बर्तन में, तो छुड़ाते हैं ऐसा ही साइड में रखकर इसको, ये देखिए, ये देखिए कितना आसानी से छूटता जा रहा है। तो छुड़ा लेते हैं पूरा ऐसा ही। तो ये देखिए इतना छुड़ा लिए, अब इसको हम क्या करते हैं पीस लेते हैं। तो ये लीजिए पीस लिए, अब दिखाते हैं और सामान इसमें के डालने वाला। अब लिए हैं लहसुन का कुछ कलियाँ और दो हरी मिर्च लिए हैं, इसको भी पीस लेते हैं हम। तो लीजिए ये भी पीस लिए हरी मिर्च और लहसुन का एक पेस्ट है। अब इसमें जाएगा प्याज, एक प्याज लिए हैं मीडियम साइज काट कर। कुछ इतना अखा जो मटर है ये रखे हैं उसमें डालने के लिए। अब यहाँ पर चढ़ा लिए कढ़ाही, कढ़ाही में तेल डाल लेते हैं दो चम्मच के करीब। अब डालते हैं इसमें हम तोड़कर दो तेज पत्ता। अब डालते हैं एक छोटा चम्मच मेथी दाना, जीरा के जगह मेथी दाना डाल रहे हैं, इसे बहुत बेहतरीन लगता है। एक बार डालकर आप लोग बनाइएगा। तो डाल लेते हैं यहीं पर इसको भी। अब लेते हैं यहाँ पर चार लहसुन का कलिया, तो इसको भी इसमें डाल लेते हैं, डालकर बढ़िया से तड़का लेते हैं। तो ये देखिए तड़क चुका है। और डालते हैं जो प्याज है ये डालकर अच्छे से थोड़ा सा इसको सुनहरा कर लेते हैं, थोड़ा गैस को फ्लेम को बढ़ा लेते हैं। बस सुनहरा गुलाबी इसको जो प्याज है इसको करना है। तो ये लीजिए गुलाबी सुनहरा जो प्याज है वो हो गया है। अब इसी पर हम डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, तो एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची दो पीस के लिए हैं हम। डालकर अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये देखिए तो भून लिए। बस 5 से 7 सेकेंड इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं। अब जो मिर्ची लहसुन का पेस्ट है ये हम इसमें डाल लेते हैं, डालकर अच्छे से इसको भी थोड़ा सा भूनते हैं। अब डाल लेते हैं जो मटर पीस के रखे हैं वो, तो डालकर अच्छे से इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच पानी, जो लहसुन मिर्ची पीस के रखे थे उसको धोकर डालकर अच्छे से थोड़ा इसको भून लेते हैं कि जो मटर के पेस्ट है वो जले नहीं, मसाला भी। अब यहीं पर डाल लेते हैं जो मटर बचा के रखे हैं वो, डालकर दोनों चीज़ के सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब डाल लेते हैं एक छोटा चम्मच नमक, डालकर बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। अब इसको ढक कर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। अब 2-4 मिनट बाद इसको देखते हैं हटा कर। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ऊपर जो है पूरा मसाला और तेल आ गया है,
अब इसी पर हम डाल लेते हैं गरम पानी, थोड़ा सा डालकर इसको बढ़िया से पकाते हैं, धीमी आंच पर पकने देते हैं। ये देखिए तो अच्छे से इसको चलाते हुए बढ़िया से मिला लेते हैं और इसको ढकते हैं, ढक कर इसको 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। 4-5 मिनट बाद इसको चेक करते हैं तो हटा कर इसको देखते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर पक गया है जो दाल है, हरे मटर का जो तेल है देखिए ऊपर ऊपर पूरा आ गया है। तो बहुत दाल में से खुशबू बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से आ रहा है। इसमें बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाता है। ज़रूर आप लोग एक बार बना कर खाइएगा। गैस को कर लेते हैं बंद, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये लीजिए हरी मटर की दाल है बनकर तैयार। ये देखिए बहुत बढ़िया एकदम से ना टेस्टी और बहुत कम सामान से दाल बनकर तैयार हो जाता है। ज़रूर एक बार बना कर आप लोग खाइएगा जब हरी मटर के सीजन आए तब। तो ये देखिए, तो ये लीजिए दोस्तों हमारा हरा मटर के दाल है एकदम से ना गर्मा गर्म बनकर तैयार। ये देखिए गर्मा गर्म में खाएंगे तो रोटी के भी साथ खा लेंगे, पराठा के भी साथ खा लेंगे और चावल के तो साथ पूछिए मत। इतना बेहतरीन लगता है कि आप बार बार यही दाल बनाकर जब हरी मटर के सीजन आएंगे तो खाएंगे आप। तो ये लीजिए पास से दिखा रहे हैं, दिख रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है। जितना दिखने में दिख रहा है अच्छा उतना ही टेस्टी है हरे मटर के दाल खाने में लगता है। अगर दोस्तों ये हरे मटर के दाल की रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरे मटर के दाल की रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।